Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 4B of class 11th mathematics, chapter name trigonometrical functions. So let's start the video from first question. Prove that sec theta into cot theta is equal to cosec theta. First of all write the question number 1, then we will prove it. Look here, it is your question number 1, sec theta into cot theta is equal to cosec theta. First of all write the left hand side of the question number 1, left hand side, sec theta and cot theta. Now change both the term in term of sine and cos. Sec theta is equal to 1 upon cos theta and cot theta is equal to cos upon sine. So you can write here cos theta upon sine theta. Clear? Now cos theta cancel with cos theta. 1 upon sine theta is equal to cosec theta. So you can write here cosec theta. Okay, it is your right hand side. Clear? बहुत easy question है. सबसे पहला काम क्या करना है, left hand side question को note कर लीजिए. उसके बाद कोशिश करिए कि पूरा term आपका sine और cos में convert हो जाए, अगर possible है तो. कन्वर्ट होने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आइए, आपको रिजल्ट अपना मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं. राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा अपॉन sec theta माइनस tan theta. ठीक है. अच्छा अब क्या करेंगे, हमने कहा ना सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पूरे क्वेश्चन को बेहतर ये है कि साइन और कॉस में चेंज कर लें. सो वी नो दैट sec theta इज इक्वल टू 1 अपॉन cos theta एंड tan theta इज इक्वल टू साइन अपॉन cos theta. सो वी कैन राइट हियर cos theta अपॉन at the place of sec we can write 1 upon cos theta and for tan theta we can write sin upon cos theta. Clear? Now cos theta as a LCM, in denominator cos theta as a LCM. So, numerator mein koi change nahi, numerator as a cos theta and here you can write cos theta as a LCM 1 minus sin theta. ओके अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ये टर्म आपको डिवाइड है इनटू टू पार्ट. इसको भी हम कॉस थीटा अपॉन वन कर लें तो फोर्थ पार्ट जो होता है वो फर्स्ट के पास जाता है, सेकंड एंड थर्ड आपका नीचे रह जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा. क्लियर? अच्छा एक रिलेशन ये था इससे पहले कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यहाँ पे नोट कर देते हैं. ये एज ए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए पेन अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, जो ऊपर चल रहा है ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर वन माइनस साइन थीटा. नाउ ऊपर एक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. देखिए ये वन को वन स्क्वायर अगर लिख दें तो ये फॉर्म बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ना, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा. तो वही रूल अगर हम यहाँ पर लगा दें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड वन प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट एंड राइट हियर डिनोमिनेटर एज ए वन माइनस साइन थीटा. सो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा सेम टर्म, सो कैंसिल आउट. सो वन प्लस साइन थीटा एज ए आंसर, इट इज़ योर राइट हैंड साइड. देखिएगा राइट हैंड साइड, ये तो प्रूफ करना है. फिर क्या किया, सबसे पहला काम आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म था उसको हमने चेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा एंड टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस.
यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम हो गया, सो कॉस थीटा एज ए एलसीएम आपको क्या मिल गया, वन माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा चला जाएगा कॉस के पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू में हम रिलेशन अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी सेम एज ईयर, वन माइनस साइन वन प्लस साइन, तो ये वन माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा एज ए आपका रिजल्ट।